हाँ जी, अब आप अव्यक्त वाणी में बोला है, नाम है अमेरिका, उसका अर्थ दिया है आ मेरे का, आ जाओ मेरे हो क्या। इससे साबित होता है कि अमेरिका वासी मेरे नहीं है, माया के हैं, मायावी देश है। जैसे दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहते हैं, उस दक्षिण भारत के विदेश की राजधानी है बंबई, तो बंबई को क्या कहते हैं, माया की नगरी। और खंड बताए कितने खंड है, पानी जाएंगे जैसे। जब नदियों में बाढ़ आती है, जल की बाढ़ आती है ना, तो नदियों के पानी में देह अभिमानी की मिट्टी मिल जाती है, मिल जाती है या नहीं मिल जाती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर ज्ञान जल में मिली हुई होगी तो अज्ञान बढ़ेगा या ज्ञान बढ़ेगा, है? अज्ञान बढ़ जाएगा। बाबा ने बताया भी है कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान हो जाती है। ये ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो हो जाता है। जितना जितना वृद्धि होती जाती है, जैसे झाड़ की वृद्धि हो जाती है, तो विस्तार में सार गुप्त हो जाता है। ज्ञान का सार है ज्योति बिंदु, और विस्तार होता है तो बिंदु लोप हो जाता है। जैसे बिंदु में बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, वही बीज विस्तार को पाता है तो बीज नहीं दिखाई पड़ता, विस्तार दिखाई पड़ता है। बीज जब दिखाई पड़ता है तब झाड़ सरसब्ज होता है, झाड़ नए झाड़ की स्थापना होती है। और जब बीज लोप हो जाता है तो झाड़ विनाश को पाता है। ऐसे ही ये दुनिया का हाल है। ज्ञान का बीज माने जानकारी, बाप की जानकारी, जब सारी दुनिया में अज्ञान देह अभिमान की मिट्टी मिला हुआ ज्ञान फैल जाता है तो बाप की जानकारी से सब दूर हो जाते हैं।
जो मुट्ठी भर जानकारी में रहते हैं उनके लिए नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। वो तारु हैं, तैरने वाले हैं, भले सारी दुनिया में देह अभिमान की मिट्टी फैली हुई है, जल में सारी दुनिया डूबती है और वो तैर करके पार हो जाते हैं। ये ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में आगे चल करके देखेंगे कि कैसे आठ विशेष आत्माओं के द्वारा, आठ फरिश्ताई आत्माओं के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है और बाकी सब ज्ञान जल की बाढ़ में डूब जावेंगे। माया इतना विकराल रूप धारण करेगी अंत में, जिसके लिए माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर ऐसे ब्राह्मण हैं, नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की नौ कुरियां गाई हुई हैं, उनमें से सिर्फ है अब्बल नंबर कुरी के राजयोग सीखने वाले, राजाई प्राप्त करने वाले ही बचेंगे जो शुद्ध ब्राह्मण होंगे। बाकी सब की बुद्धि में अज्ञान फैल जाएगा, माया देह अभिमान की धूल आंखों में झोंक देगी। बाप को ही भूल जाएंगे, जलमयी हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है ना, क्या हुआ, सारी दुनिया जलमयी हो गई। तो ये सब बेहद में भी होता है, पहले बाद में ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि धर्मकंद स्थूल जल में समा जावेंगे। पहले हर काम दुनिया का सूक्ष्म में संपन्न होता है, बाद में स्थूल रूप धारण करता है। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले बुद्धि में आता है प्लान, फिर कागज पर नक्शा खींचा जाता है, फिर स्थूल में मकान बनाया जाता है। ऐसे ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और रामायण में कहते हैं कि जब बजरंगबली लंका गए थे और उनकी पूंछ में आग लगाई थी, समय लौटते समय बाबा वो समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई थी, वो लौट करके सागर में अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। इसी समय मतलब जल से जन्म होता है, बहुत देर बेहद भी कह सकते हो। जो भी हद और बेहद की बातें हैं उन बातों का सार कौन क्लियर बताता है? तो बाप जो बात बताते हैं वो सार है, और बाकी जो कुछ तुम पूछते हो
वो भूसा है। हाँ बाबा, ये सीढ़ी भी दिखाया गया है कब्र के सीढ़ी में, आज भी पांच सीढ़ी छोड़ करके सठवीं सीढ़ी जिसके रावण का जो राज्य है उसमें दर्शाया गया है। मैं ऐसे ही बताओ, लॉकर के सीढ़ी थी जमाई, लॉकर में पांच सीढ़ी फोन करके छठवीं सीढ़ी थी जैसे रावण के आज तरीका दिखाया गया है, क्या है सर? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। सतो प्रधानता में सत्य प्रत्यक्ष होगा या रावण राज्य प्रत्यक्ष होगा, क्या प्रत्यक्ष होगा? तो द्वापर के आज की जो सीढ़ियां हैं वो द्वापर का सतो प्रधान पीरियड है, वहां रावण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। धीरे धीरे रावण राज्य बढ़ता है। और बाहर की दुनिया वाले हैं उनकी स्मृति कैसी होती है? बाहर की दुनिया वाले हैं उनकी स्मृति कैसी होती है? बाहर की दुनिया वाले हैं उनकी स्मृति कैसी होती है? सारी दुनिया किसकी औलाद है? सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। कहते हैं ब्रह्मा ने सारी सृष्टि रची, तो एक साथ रची या नंबर वार रची? ब्रह्मा से जो पैदा हुए वो ब्राह्मण कहे गए, ब्रह्मा से नौ ऋषि पैदा हुए, नौ ऋषियों से नौ प्रकार के ब्राह्मण बने, उन्हें नौ कुरी का ब्राह्मण कहा जाता है। तो सारी दुनिया किसकी औलाद हुई? नौ धर्म है। जो भगवान को मानने वाले हैं बाकी जो भगवान को मानने वाला नहीं है नास्तिक धर्म, रूस धर्म खंड है, वो भगवान से कोई प्राप्ति नहीं करता। भगवान की प्राप्ति है राजा ही का वर्षा देता है। रूस में कोई राजा नहीं हुए, जो थे उस समय नास्तिकों का राज्य नहीं था। जो भी जार राजाएं थे सब मार डाले गए, फिर ये प्रजातंत्र राज्य शुरू हुआ। हर धर्म में राजाई का वर्षा बाप ही देते हैं, हर धर्म में अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं, हर धर्म से चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं अभी ब्राह्मण बन रही हैं। कोई पहले ब्राह्मण बनते हैं, कोई बाद में ब्राह्मण बनते रहेंगे। तो सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। आज ब्रह्मा बाप को पहचाने
अथवा लास्ट में ब्रह्मा बाप को पहचाने। नास्तिक से नास्तिक होगा वो भी अंत में कहेगा गॉडफादर रहम करो। भारत भी सचखंड कहलाता है, बाकी सब छोटे खंड कहलाते हैं। हाँ, तो भारत सचखंड है तो भारत किसी भाग है कि भारत के लिए भगवान आते हैं। हाँ, वो चेतन है, चेतन वाली बात है। हाँ, तो विदेशी खंड है तो उसके मुखिया भी है तो वो झूठे कहलाते हैं। दुनिया में एक ही सच्चा है और बाकी सब सब झूठे हैं। वो एक सच्चा जहां आता है वो ही सच खंड कहलाता है। सच का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए गीता में लिखा है नासते विद्यते भावो, ऐसा जो लिखा हुआ है वो अभी की बातें हैं। जो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाली हैं, भारत खंड ही बचेगा और सब खंड खलास हो जावेंगे। जब खलास होने का टाइम आएगा तो मानेंगे। और फरक्काबाद में ही होगा ये सब। अभी अभी तो बताया, नदियां पहाड़ से आती हैं, ऊंची स्टेज से आती हैं, और कहां जाती है? है नीचे की ओर जाती है। ऊपर पानी शुद्ध होता है और नीचे जाकर अशुद्ध हो जाता है। तो ये एडवांस ज्ञान भी ऐसे ही है। जैसे बेसिक ज्ञान की हालत होती है ऐसे एडवांस ज्ञान की भी हालत होती जाती है। लेकिन अंतर ये है कि बेसिक में बाप प्रैक्टिकल में नहीं है और एडवांस में बाप प्रैक्टिकल में है। इसलिए जो भी मनुष्य आत्माओं से ज्ञान मिलता है उसे तुम बाप से वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने से सात्विक ज्ञान बन जाएगा। लेकिन वेरीफाई वो ही करेंगे जिनके अंदर सत्य की जिज्ञासा होगी। सच्चाई की जिज्ञासा नहीं होगी तो वेरीफाई भी नहीं करेंगे। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। और तिरंगा, तीन रंगा, एक रंगा नहीं, तीन रंगा। एक सतो प्रधान रंगा, एक रजो प्रधान रंगा, एक तमो प्रधान रंगा। तमो प्रधान का रंग लाल दिखाया है, रजो प्रधान का रंग हरा दिखाया है और सतो प्रधान का रंग सफेद दिखाया है।
तीन कपड़े हैं तिरंगा में। कपड़ा वस्त्र को कहा जाता है, हरा सफेद और लाल। लाल जो है वो रंग क्रांति का सूचक है। आग जलती है तो कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। क्रोध जब आता है तो मोहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो तामसी स्टेज है। ये तामसी स्टेज से विनाश होता है। तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। कामदेव को भस्म होते हुए कैसे दिखाए? क्रोध आया और काम भस्म हुआ। तो ये दुनिया भी भस्म होनी है। क्रोध की आंख खुलेगी और ये काम विकार की दुनिया भस्म हो जाएगी। फिर दिखाते हैं द्वापर में। कृष्ण के बच्चे के रूप में वो कामदेव साकार हो उठा। रामायण में भी लिख दिया कि काम सतयुग में खलास नहीं हो जाएगा, लेकिन हुई है ही काम अनंग, अंग रहित तो हो जाएगा। अंग ही नहीं होगा तो काम विकार भी नहीं रहेगा। नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। ये काम और क्रोध तामस पैदा करने वाले हैं। लेकिन इनका अंत कब होता है? अरे किसी चीज का अंत कब होता है? ये अति करने की ताकत बच्चों में नहीं है, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर के काम और क्रोध की अति करके इस कामी क्रोधी दुनिया का अंत कराए देते हैं। इसलिए शंकर की यादगार जो कपड़ा दिखाया है वो लाल वस्त्र दिखाया है। जब तामसी दुनिया ही खलास हो जाती है तो क्या बचता है? है तामसी दुनिया खलास हो गई फिर बचता क्या है? अरे पहले पुरानी दुनिया खलास होती है या पहले कुछ और होता है? नई दुनिया की स्थापना हो जाती है परंतु वो दिखाई नहीं पड़ती है। जब तक 500-700 करोड़ दुनिया का हुजूम खलास न हो जाए, उस हुजूम में वो सात्विकता छिप जाती है। फिर जो हुजूम की दुनिया है, तामसी दुनिया है,
वो खलास हो जाती है तो क्या रह जाता है? सतो प्रधान सात्विक नई दुनिया रह जाती है, वो है विष्णु की यादगार। नो विषय टाल, विषय विकार की दुनिया उस नई दुनिया में, नए संगठन में नहीं रहती। इसलिए सफेद कपड़ा दिखाया गया, सारे रंग धुल गए। तो सतो प्रधान विष्णु का कपड़ा, तमो प्रधान शंकर का कपड़ा और रजो प्रधान ब्रह्मा का कपड़ा। और पसंद आ रहा है, जब सीता जी बगिया जाती है गौरी पूजन के लिए, गौरी पूजन तक गौरी पूजन के लिए जाती है। हाँ जी, तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मोह ने नारी नारी कर रूपा और पन्न गारी कर रूपा। क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ होता है? अरे अर्थ तुम बताओ तो हम बेहद में हम बताए है तो पूछते काहे के लिए। और बाबा, हाँ काम देव में काम शरीर की बात है लेकिन देव के भाग है, काम देव तो शरीर की बात है लेकिन देव के भाग है काम देव। हाँ देव तो भाग है क्योंकि जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच रूप हैं, ये पांचों रूप मुक्ति को पाते हैं या नहीं है? पाते हैं तो वो देव रूप धारण कर लेते हैं। रावण के दस रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांच रूप हैं पृथ्वी जल वायु और हाँ जी आकाश। ये पांचों देवता का रूप हैं। जब तामसी बनते हैं तो असुर बन जाते हैं, और जब सात्विक बनते हैं तो देव बन जाते हैं। इसलिए काम भी देव है। क्या पांच पांडवों के साथ कामी कुत्ता गया या नहीं गया? तो ऐसे नहीं है कि सतयुग में कामना नहीं होती है, कामना तो होती है लेकिन किस रूप में होती है? सात्विक रूप में होती है। कर्मेंद्रियों की वासना नहीं होती है, कामना नहीं होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां, उन्हें ज्ञानेंद्रियों में कामना होती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे देखो, राधा कृष्ण को ध्यान से देखो, उनकी आंखों में क्या कामना है? राधा कृष्ण को देखना चाहती और कृष्ण सिर्फ राधा को देखना चाहता। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती। व्यभिचार का नाम निशान नहीं है लेकिन कामना तो है। अगर कामना नहीं होगी तो सृष्टि कैसे पैदा होगी? और काम की आत्मा प्रवेश करती है, राम की आत्मा प्रवेश करती है इसमें।
रूप है, काम रूप वाले से धारी में राम की आत्मा प्रयोग कर राम रूप वाली आत्मा राम की देवी राम बाबा दक्षिण भारत में मकर रेखा के पास है दक्षिण भारत हाँ। वहाँ सूर्य की रोशनी तेज होती है किंतु तपता कम है, कम है तपन कम होती है हाँ, तिरछी किरणें पड़ती हैं जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो तपत कम हो जाती है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं सूर्य यहाँ है और मकर रेखा उधर है, कर्क रेखा इधर है, तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जाएंगी तो तिरछी ही जाएंगी और विषुवत रेखा बीच में है तो विषुवत रेखा पर जो किरणें पड़ेंगी वो सीधी पड़ती है। उस रेखा के नजदीक जो भी देश हैं उनमें गर्मी जास्ती पड़ती है। और कर्माती का अवस्था आ जाए शरीर रह नहीं सकता, बिल्कुल कर्मों का बंधन ही नहीं रहा। जब आत्मा में कर्मों का बंधन खलास हो गया तो आत्मा शरीर में रहेगी या ऊपर उड़ेगी? ऊपर उड़ जाएगी। पापों का बोझ तो खत्म हो गया। किसी आदमी के सर पर ज्यादा बोझा रखा हुआ हो तो वो झुकेगा या ऊपर जाएगा? झुक जाएगा। तो पाप कर्मों का बोझ ही खत्म हो गया। जो पाप किए थे 63 जन्मों में उनका बंधन खलास हो गया, निर्बंधनी आत्मा हो गई तो तेज दौड़ेगी या धीरे धीरे चलेगी? उड़ जाती है। फिर इसे 5 तत्वों के शरीर में बंद करके क्यों रहेगी? मनुष्य सामान्य स्थिति में जब शरीर छोड़ते हैं तो कर्मों के बंधन से बंधी हुई आत्मा होने के कारण फिर से उनको नया शरीर मिल जाता है माता के गर्भ में। वहां वो आत्मा फिर कर्म बंधन में आ जाती है। और यहां तो बाप ने हमको सिखाया है, क्या सिखाया है? निर्बंधन होना सिखाया है, स्वयं स्थिति में रहना सिखाया है। तो जो स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते हैं उनकी आत्मा देह की स्थिति में स्थित नहीं रह सकती, वो ऊपर उड़ जाएगी। हमारा घर जहां है, हम वहां से आए हैं तो यहां से उठेंगे तो कहां जावेंगे? हैं? अपने ही घर जावेंगे। आपके घर खींचता है क्या आत्मा? अभी कहां से आए हैं आप? घर से आए हैं तो कहां जाएंगे? खींचता है ना। माने आत्मा अभी देह के बंधन में है तो देह का घर ही याद आता है। जब आत्मा निर्बंधन बनेगी तो बाप के घर की तरफ दौड़ेगी। 70-75 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान लेते लेते, अभी भी देह अभिमान में है, देह के बंधन में आत्मा बंधी हुई है या निर्बंधन आत्मा बनी है? इसलिए घर में ही भागते हैं। ऐसी भी स्टेज आवेगी, नंबर वार आवेगी,
उनकी आत्माएं निरबंधन बनेंगी और बाप के घर में भागेंगी। अभी भी वो स्टेज नहीं आई है तो नहीं भागती है, देह के घर में भागती है। देह का जो बाप है उसका जो घर है वहीं भागती है। प्रैक्टिस करते है ना, कभी बहुत खुशी है। 63 जन्मों की शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं तो कितना भी चाहें तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, नात्मानम् अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, भरी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहां से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है, दृष्टि की 10-20-50 भूले रोज करते होंगे। तो आत्मा नीचे जाती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती है। आंखों से भी संघ का रंग लगता है, भले श्रेष्ठ इंद्रिय हैं, संघ लगता है तो ज्यादा संघ करने से क्या होता है? जिसका ज्यादा संघ करेंगे उससे मिलने की बार बार कामना पैदा होगी। संगात संजायते कामा, फिर कामना की पूर्ति में अगर विघ्न पैदा होगा, कामेषु क्रोधेषु, तो क्या होता है? क्रोध आता है, तो नीचे ही नीचे गिरते चले जाते हैं। आखिरी नीचे गिरते गिरते बिल्कुल संशय बुद्धि बन जावेंगे, बाप से दूर हो जावेंगे। हो सकता है दूर होते होते बाप की ग्लानि ही करने लग पड़े। तो मर गए या जिंदा रहे? और बरसात जब पूरी होती है तो 7 रंगों का धनुष दिखाई पड़ता है। ये संगम युग है, ज्ञान बरसात का टाइम। क्या जब ये ज्ञान बरसात पूरी होगी तो 7 रंग इकट्ठे दिखाई पड़ेंगे पुरुषार्थ रूपी धनुष के रूप में, कि ये हैं सच्चे सच्चे पुरुषार्थी 7, बाकी 8वां तो भगवान है ही। ये अष्टदेव
सबसे ऊंचे पुरुषार्थी हैं। इनका पुरुषार्थ रूपी धनुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सबको देखने में आवेगा कि ये धनुष है। अब ज्ञान बरसात का टाइम पूरा हुआ, शांति का टाइम पूरा हुआ, शांति में पढ़ाई होती है, फिर तो विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश के टाइम पर अशांति हो जाएगी दुनिया में या शांति बनी रहेगी? अशांति पैदा होगी तो ज्ञान कोई ले ही नहीं सकेगा। अभी बहुत वैल्यूएबल टाइम है, अभी इंद्रधनुष नहीं निकला है, ज्ञान की बरसात हो रही है। इस ज्ञान की बरसात में अपना समय सफल कर लेना चाहिए। जो भी बीज बोना है सो बो लेना चाहिए, भाग्य बनेगा। हाँ बाबा, भक्ति मार्ग में जो भागवत होती है उसमें वो मिट्ठू रखते हैं। क्या मिट्ठू? तोता। तोता? हाँ, सुखदेव का नाम सुना है? सुखदेव का नाम नहीं सुना? व्यास का बच्चा, उसका नाम सुखदेव। सुख तोते को कहा जाता है, उन्हीं सुखदेव के नाम पर वो तोता दिखाते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा के मंदिर में कबूतर भी रहते हैं और तोता भी देखने में आता है। तोता थोड़े समय के लिए आता है और कबूतर परमानेंट वहीं रहते हैं। वो कबूतरों के मुख से ज्ञान बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर बेचारे घुटघुटाते रहते हैं, घुड़कू घुड़कू। अगर किसी को सुनाना भी चाहें तो नहीं सुना सकते, ऐसी उनके अंदर घुड़क पैदा होती रहती है। वो कबूतर बुद्धि कौन है? है जो शिव बाबा के मंदिर में ही बैठ करके गंध करते रहते हैं, उनके गले में संदेश बांधा जाता है, वो संदेश खुद नहीं ले जाना चाहते, कह देंगे गले पड़ गई। तो ईश्वरीय ज्ञान का संदेश उनके गले पड़ गया। ईश्वरीय ज्ञान का संदेश लोगों को देना ही पड़ेगा कि भगवान आया हुआ है। वो देने की उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी देना पड़ता है। मेले से, मलाखड़े से, कॉन्फ्रेंस से, बड़े बड़े योग शिविर करके कैसे भी उनको संदेश देना ही देना है। अंदर में सच्चाई को समझते भी हैं, अंदर में राम बाप को पहचानते भी हैं। जैसे रावण राम को पहचानता था या नहीं पहचानता था? फिर भी मंदोदरी से कह नहीं सकता था कि राम भगवान है। ऐसे ही वो कबूतर बुद्धि है जो बाप का परिचय किसी को नहीं दे सकते। संदेश देंगे लेकिन परिचय नहीं देंगे। और फिर उनके मुकाबले तोते भी हैं। जो तोते हैं वो थोड़े समय के लिए जाते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है, माने ईश्वर का ज्ञान कंठ हुआ पड़ा है, धड़ाधड़ सुनाते रहते हैं। उनको कहा जाता है व्यास के बच्चे सुखदेव। इसलिए जहां भागवत होती है तो तोता भी दिखाते हैं।
और अभी ये जो सन्यासी होते हैं वो किसी एक में प्रवेश करते रुको किसी एक में प्रवेश करके फिर बोलते हैं कि मैं आज का सन्यासी हूँ, मैं सरक तक नाश कर दूंगा, मैं सरक तक नाश कर दूंगा, सरक को नाश कर दूंगा, सरक तक नाश कर दूंगा जिनके घर में है, सरक का नाश कर दूंगा, तुम्हारे स्वर्ग स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा। वो तो होता ही बोलते हैं कि मैं सन्यासी सरगनासी तो या बोलती क्या सरक को नाश लेते हैं। तो ये सन्यासी स्वर्ग में जाना ही नहीं पसंद करते तो दूसरों को कैसे भेजेंगे? वो अपने ही अपने घर के बाल बच्चों को दुख दे देते हैं, अपने ही घर को छोड़ देते हैं, नरक बनाए देते हैं, तो दूसरों को कैसे स्वर्ग में ले जाएंगे? वो कहते हैं स्वर्ग के सुख कागविष्ठा समान, क्या कौए की जो विष्ठा है जिसमें कोई तंत्र नहीं है, ऐसे हैं स्वर्ग के सुख, हमें नहीं चाहिए। तो ठीक बात बताइए। और आत्मा अमर का पूरा कंट्रोल कर लेती है, सब आत्मा सही छोड़ करके अपने काम के जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा मन का सब जो शरीर में आने की होती है, मन का तो कंट्रोल पूरा हो चुका होता है, लेकिन ये कंट्रोल अंत में जाकर होता है या लंबे समय तक रहता है पुरुषार्थी जीवन में? तो जो धीरे धीरे शूटिंग की है वो दुनिया की शूटिंग करा देती है, और अंत समय की जो शूटिंग है अंतिम सेकंड वो परम धाम में पहुंचाई देती है। अंतिम सेकंड माने थोड़े समय रुकेगी फिर इस दुनिया में आवेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्पों से जैसे सृष्टि रची ऐसे ब्राह्मणों के संकल्पों की भी गति है। अगर पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक सुख शांति का जीवन बिताया है, ज्ञान युक्त जीवन बिताया है, तो चारों युगों में सुख की कोटि ज्यादा रहेगी, सुखी दुनिया के भोग भोगने ही पड़ेंगे। ये लंबे पुरुषार्थी जीवन की शूटिंग हो रही है, शूटिंग होते होते अंतिम सेकंड में जब निराकारी स्टेज बनेगी तो मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, वो एक सेकंड परम धाम में रहेंगे, बाद में आना पड़ेगा। ऐसी भी आत्माएं हैं जो 5000 साल ऊपर रहती है, थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर आती है, वो भी इसी दिन दुनिया में शूटिंग करती है। ये शूटिंग का पीरियड है, ये अभी माता ने बोला सन्यासी स्वर्ग के सुख चाहते हैं या शांति चाहते हैं? क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, तो उनका पुरुषार्थ ही होता है लंबे समय का शांति चाहने का, इसलिए वो लंबे समय तक परम धाम में पड़े रहते हैं। आपके अंदर हम बच्चों के अंदर लालसा रहती है ज्यादा सुख भोगने की, इसलिए हम ज्यादा समय इस सृष्टि पर सुख भोगने की लालसा में रहने के कारण परम धाम में कम टिकते हैं। चलायमान होता है देवताओं का या असुरों का? भूल गए? स्वामी संपूर्ण आदि का नहीं
बाबा ठाकुर राजा का राजा बना जिसमानी बॉडी है बाबा है जिसमानी बॉडी आजकल सहायता दे रही वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन सहायता दे रही गवर्नमेंट वृद्धा पेंशन के लिए लोग दे रही है गरीब लोग तो जो लोग ज्ञान ज्ञान सुनने वाले उसका लाभ ले रहे हैं सिपाही गवर्नमेंट का वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन कार्ड लाभ ले रहे हैं क्या वो लोग ज्ञान लेते भी पूछ सकते क्यों नहीं कर सकते नागरिक हर नागरिक का अपना कर्तव्य है और हर नागरिक का कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी है तो अगर कोई बूढ़ा है तो उसे अपना अधिकार नहीं लेना चाहिए या नहीं नागरिक है या नहीं है वो गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं है कोई एक आत्मा नहीं है एक आत्मा है क्या हाँ मुकर्रर तो कोई है नहीं जिसके साथ हिसाब बने और बाबा ये कि राजा सगर के 7,000 खत्म होते 7,000 भागी रखने से गंगा ला के उनको सुरजीत किया 7,000 की संख्या का ही क्या 1,00,000 आत्माएं रुद्र ज्ञान यज्ञ में जरूर बनाई जाती है उन 1,00,000 में से जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सब राइटियस हैं कि सब लेफ्टिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट राइटियस दोनों हैं तो जो राइटियस बनती हैं उनकी आधे से ज्यादा संख्या बन जाती है इसलिए 60,000 बोला है ज्यादा बन जाते हैं और योग का दान कैसे करेंगे योग का दान कैसे करेंगे याद में रहेंगे तो योग दान होता है देह भान में रहेंगे तो देह का दान होता है बाबा अभी बताया श्री बाबा परमधाम 5,000 वर्ष है लेकिन उनको आना पड़ता है माना उनको अच्छा नहीं लगता है आना लेकिन मजबूरी है आत्मा में पार्ट भरा हुआ है इसलिए आते हैं ऊपर जो रहते हैं परमधाम में तो उनकी कोई संकल्प नहीं तो मौज है उनकी संकल्प उठते हैं क्यों संकल्प उठेंगे परमधाम में भी कोई संकल्प होता है निसंकल्प निराकारी कोई विकार भी नहीं रिकॉर्ड में भरा हुआ है आत्मा रिकॉर्ड है भूल गए ये अविनाशी रिकॉर्ड है वो आत्मा कहीं भी रहे आत्मा वो सृष्टि पर रहे या परमधाम में रहे वो रिकॉर्ड अविनाशी होने के कारण जैसा पार्ट भरा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाएगी आपको जिस समय सोना है सुसुप्ति में जाना है उसी टाइम आप सुसुप्ति में जाएंगे स्वप्न में आना है उसी टाइम आप स्वप्न में जाएंगे जागृत में आना है उसी टाइम आप जागृत में आवेंगे हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट रुंधा हुआ है आत्मा की बात छोड़ दें जड़ और जंगम दोनों का पार्ट रुंधा हुआ है कण कण का अणु अणु का पार्ट रुंधा हुआ है जो अणु जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की है 5,000 वर्ष के बाद वो अणु उसी जगह पर पहुंच जाता है और बाबा कैसे है कि जो भी चरित्र होते हैं वो चरित्र की यादगार होते हैं जो यहाँ चित्र दिखाया है जो काम है गाय तो उसके पंख भी है
और मुख्य स्त्री का है उसका है। और उसमें उसके शरीर में 33 करोड़ देवता भी दिखाए गए हैं और उसके हमारे दूर के नीचे शिव की मूर्ति दिखाई गई है वहाँ पर उसका दूध हुआ था उसका क्या प्रभाव। कामधेनु पार्टी किसका है? तुम्हारी सब कामनाएं कौन पूर्ति करती है? तो जगदम्बा का जो पार्ट है वो यज्ञ के आदि में उस जगदम्बा से कोई ब्राह्मण ने ज्ञान लिया था? अगर लिया नहीं तो ब्राह्मण कैसे बना पहला? तो वो पहला ब्राह्मण जो लिंग के रूप में पूजा जाता है जिसमें शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, जो लिंग का ही विशेष पार्ट बजाता है पतितों को पावन बनाने के लिए, वो लिंग के ऊपर दूध दिखाया गया है यज्ञ के आदि की यादगार है। और वही जगदम्बा ऐसी आत्मा है जहां से बेसिक वालों ने भी जन्म लिया है ब्राह्मणत्व का और एडवांस वालों ने भी जन्म लिया है ब्राह्मण बनने का। जगदम्बा जब सरेंडर होती है तब ही दूसरी आत्माएं भी सरेंडर होती हैं। सरेंडर होते हुए बगैर देवता नहीं बन सकते, शरण में आना ही है तो वो सात देवताओं की अंबा है। 33 करोड़ देवताएं उसके शरीर में दिखाए गए हैं। वो जगदम्बा ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली भी है, इसलिए उस गाय को पंख भी दिखाए गए हैं। तो चित्र वर्तमान संगम युग के चरित्र की यादगार है। और पुरुष का शरीर छूट जाता है और स्त्री उस दिन तक देती है तो उसका जोड़ा का दिन होता है। स्त्री पति का शरीर छूट जाता है और पत्नी यहीं पर रहती है। पत्नी यहीं रहती है तो फिर उनका जोड़ा नहीं बनता, उसका जोड़ा कैसे? ये गलतफहमी है कि यहाँ के पति पत्नी स्वर्ग में जाकर के पति पत्नी बनेंगे। यहाँ के पति पत्नी वहाँ स्वर्ग में पति पत्नी एक भी नहीं बनेगा। यहाँ का सब वहाँ चेंज हो जाएगा। जो नरक की दुनिया में है वो कुछ भी स्वर्ग की दुनिया में नहीं होगा। इस गलतफहमी को बुद्धि में से निकाल देना चाहिए कि नरक की दुनिया के जो पति पत्नी हैं, आखिरी जन्म के पति पत्नी हैं, वो सतयुग में और त्रेता में 21 जन्मों तक पति पत्नी बनेंगे। क्या कोई ऐसे पति पत्नी हैं ज्ञान में जो पुरुषार्थ में समान हो? नहीं है तो कैसे बनेंगे? वहां तो जन्म भी इकट्ठा मिलेगा, बच्चा और बच्ची का जन्म इकट्ठा होगा, 1 सेकंड का अंतर होगा। समान होगा है? हाँ, जिनका जिनका पुरुषार्थ समान होगा उनकी जोड़ी बनेगी। बाबा कहते तो है कि 7 फेरा 7 जन्म का बंधन है। 7 फेरा 7 जन्म का बंधन, तो 7 फेरा लगाओ ना, शादी में लगते हैं ना 7 फेरा। वो तो भक्ति मार्ग की शादी है, ये 21 जन्म की शादी है। बाबा जी ने यज्ञ के आदि में पाठ था पति पत्नी थे,
फिर ज्ञान में आते हैं तो वही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं सतयुग में, इस जन्मों का साथ रहता है। तो ये यहाँ पे तो ये बुद्धियोग से शूटिंग होती है या शरीर से शूटिंग होती है? थे उस समय तो अज्ञान था, वो तो अज्ञान था, उस समय तो ज्ञान नहीं था, और अभी अभी तो ज्ञान है। तो ज्ञान से जो शूटिंग हो रही है बुद्धियोग की, बुद्धियोग से शूटिंग होती है या शरीर से होती है? बुद्धियोग से शूटिंग होती है। तो बुद्धियोग से जो शूटिंग हो रही है वो 21 जन्मों की शूटिंग हो रही है। और पढ़े लिखे भरी हो रही है, ये हाँ हाँ यहाँ पढ़ाई हो रही कि नहीं? तो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं एडवांस में ज्ञान में ज्यादा तीखे हैं वो राजा बनेंगे, और जो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं वो भरी ढोएंगे माने दास दासी बनेंगे। भरी ढोना माने क्या? प्रजा भरी ढोती है और राजा राज्य करता है। आधा में जाम आधा में रैयत, जाम माने राजा, जम के बैठता है वो राजा। सारे राज्य की जो भी कमाई होती है, जो भी पैदाइश होती है, उसका आधा हिस्सा में राजा का परिवार पलता है, और आधे में लाखों की तादाद में जो प्रजा होती है वो पलती है। तो पढ़ाई पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पढ़ेंगे तो सुख में रहेंगे। हाँ वो पुरुषार्थ आदि में करते हैं कि अंत में करते हैं? तो अंत में पद मिलता है। तो कौन निमित्त बनते हैं? जो पुरुषार्थ करेगा सो निमित्त बनेगा। जब वो आत्माएं अंत में निकलेंगी तो अंत का प्रारब्ध पाएंगी। 2000 साल तक ऊपर बैठी रहेंगी। 2500 साल तक ऊपर बैठे रहेंगे। वो तो गुरु है ना, जो गुरु होते हैं वो कहते हैं स्वर्ग के सुख का अग्विष्टा समान हमें नहीं चाहिए, तो वहां बैठते हैं। बाबा जैसे महावाक सोमान में टिकने के लिए, सोमान में कैसे टिका जाए कि स्व आत्मा को जानते हैं किसका मान कर सके? क्यों माने क्या आत्मा में पार्ट भरा हुआ है वो तो स्पष्ट नहीं है। हाँ ये स्पष्ट है कि ज्योति बिंदु आत्मा है। हाँ तो उसी में टिक जाओ, ज्योति बिंदु के अलावा कुछ भी याद ना रहे। ये ईश्वरीय स्टेज है, ईश्वर काय में टिकता है। सोचता की स्टेज में टिकता है या असोचता निराकारी स्टेज में टिकता है? बाबा सुमान जी बहुत बताते हैं विश्व कल्याणकारी होगी या परिता होगी, वो देवता बनेंगे तब ना। उसको रिपीट करें तो वो तो बात होगी। आप जितना निराकारी स्टेज में टिकेंगे, जितनी प्रैक्टिस निराकारी स्टेज की हो जाएगी, उतना ही आपका झाड़ मजबूत बनेगा। जन्म जन्मांतर सुखों में पलेंगे। ये अभी प्रैक्टिस करनी है आत्म की स्थिति में रहने की। जैसे बीज होता है, बीज जितना भी परिष्कृत किया जाता है, सुधारा जाता है, वो उतना ही जास्ती फल देता है। तो ये सुधार का टाइम है। देवान में रहते हैं तो बिगाड़ हो रहा है, और आत्माभिमान में रहते हैं तो सुधार हो रहा है। ये दवाई है, वो बीज भी दवाई में डाले जाते हैं तो उनका परिष्करण हो जाता है।
ये आत्मरूपी बीज की भी दवाई है स्वमान में रहने की। सदैव ज्योति बिंदु आत्मा इस तार प्रकृति के बीच में दिखाई पड़ता रहे। पाना था सो पा लिया, अब कुछ चिंता नहीं। बेगमपुर का बादशाह, मौजों का युग है, रोने का युग खत्म हुआ। ऐसी आत्मिक स्टेज बनी रहे। मकान गिर जाए, वाह वल्लई वल्ला, ओम शांति।